सो एप्पल ने फाइनली iOS 18 रिलीज कर दिया और हमारे फोन में यहाँ पर iOS 18 का बीटा वर्जन आ भी चुका है। लेकिन जब आप जा रहे होगे अपने फोन के अंदर तो आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जाते हो जनरल के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट iOS अपडेट जरूर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये iOS 18 का बीटा वर्जन आपके फोन में नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको आज की वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो iOS 18 का ये बीटा वर्जन। लेकिन अपडेट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेवलपर बीटा वर्जन है, सो बेसिकली ये पब्लिक स्टेबल वर्जन नहीं है और इसके अंदर काफी सारे बग्स वगैरह हो सकते हैं, जिसके ऊपर अपडेट करने के बाद आपके फोन के अंदर हीटिंग भी हो सकती है, बैटरी ड्रेन भी हो सकती है और डेटा लॉस जैसे कुछ और भी इश्यूज आ सकते हैं इस पर अपडेट करने के बाद, क्योंकि बेसिकली ये टेस्टिंग फेज के अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो साइज भी इसका काफी ज्यादा बड़ा है। मैं खुद भी अपने प्राइमरी फोन के अंदर ये नहीं कर रहा, आईफोन 11 के अंदर इसको अपडेट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको नए नए फीचर्स के बारे में बता सकूं। अगर आपके पास भी कोई सेकेंडरी फोन है और उसके अंदर आप अपडेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने प्राइमरी फोन में करने की सोच रहे हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा रुक जाओ, जब तक पब्लिक स्टेबल वर्जन ना आ जाए तब तक आपको नहीं अपडेट करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, अगर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। वैसे आपके फोन में iOS 18 का अपडेट करना कैसे है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो गाइस, iOS 18 पे अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सफारी ब्राउजर के अंदर। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक चीज टाइप करनी पड़ेगी, developer.apple.com। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आ रहा है एप्पल WWDC 24, जो कि एप्पल की इवेंट हुई है जहाँ पर एप्पल ने iOS 18 के साथ साथ विजन OS 2, iPadOS 18, macOS, watchOS और इसके साथ साथ एक नया TVOS 18 रिवील किया है। अब जैसा कि हम यहाँ पर iOS 18 को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर टैप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गेट रेडी फॉर iOS 18 और बेसिकली यहाँ पर आपको सारे जो नए लेटेस्ट फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे कि कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं iOS 18 के अंदर। सिंपली इसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा नीचे की तरफ अकाउंट का, और जैसे आप यहाँ पे अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हो तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपनी एप्पल आईडी साइन इन करनी पड़ेगी, जैसा कि देख सकते हो साइन इन टू एप्पल डेवलपर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको अपनी एप्पल आईडी को साइन इन करना है, पासवर्ड वगैरह डालना है और उसके बाद आपका iOS 18 जो है वो अपडेट हो जाएगा। मैं पहले बताया तो ये कम्प्लीटली फ्री होता है, एप्पल अपने डेवलपर्स के लिए ये सारे अपडेट्स जो है ये एकदम फ्री रखे हैं। तो फटाफट से यहाँ पे अपनी एप्पल आईडी वगैरह वेरीफाई कर लेते हैं। सो देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी एप्पल आईडी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर आपको एप्पल आईडी एंड प्राइवेसी के बारे में कुछ लिखा नजर आ रहा होगा, इसको आपको कर देना है कंटिन्यू। करते ही आपको यहाँ पर एक लीगल एग्रीमेंट देखने को मिल रहा होगा, चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ऊपर से यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ भी करके रख सकते हो। इसके साथ साथ जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे और ये सब स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे की तरफ लिखा हुआ दिख रहा होगा, बाय चेकिंग दिस बॉक्स आई कंफर्म दैट आई हैव रेड एंड एग्री टू बी बाउंड बाय एग्रीमेंट अबव। सो बेसिकली इसको आपको यहाँ पे टिक कर देना है और एक मैंडेटरी फील्ड है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। सो इसको यहाँ पर यस ही कर दो, उसके साथ साथ आप यहाँ पे सबमिट कर देना और सबमिट करते ही आपको एक नया पेज देखने को मिल रहा होगा। जैसे ही आप इस पेज के ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा एनरोल टुडे का, तो इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स का। जैसे ही आप यहाँ पे व्यू डाउनलोड्स पे क्लिक करते हो और जैसे ही ये नया पेज ओपन होता है तो सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिख जाएगा iOS 18 बीटा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि रिलीज हुआ है ये 10 जून को, ये सिर्फ उन डिवाइसेस के ऊपर रन करेगा जहाँ पर iOS 16.4 और लेटर जो है वो अपडेट्स आए हो, और आपको जाना है सेटिंग्स में, जनरल में, सॉफ्टवेयर अपडेट में और आपका ये बीटा वर्जन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। सो बस अब आपको कुछ नहीं करना, वापस से जाकर जब आप एक बार सेटिंग्स में चेक करोगे तो आपको जैसे कि पहले जाना था जर्नल के अंदर जाओ, सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर जाओ और अब आपको यहाँ पर बीटा अपडेट्स का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर कुछ बीटा वर्जन देखने को मिल रहे होंगे iOS 17 का डेवलपर बीटा, इसके साथ साथ हम तो iOS 18 के डेवलपर बीटा के लिए आए थे तो आपको इसको क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा iOS 18 बीटा वर्जन जो कि अभी 6.17 GB का दिखा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था बीटा वर्जन जो वो भी टेस्टिंग फेज में होते हैं तो यूजुअली इनका साइज वगैरह जो है वो बड़ा ही होता है और इसके अंदर अभी बग्स भी काफी सारे होते हैं। अभी आपके फोन के अंदर जो है सैम पे इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली आपको यहाँ पे अपडेट नाउ करना है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं अपडेट करने के बाद सॉफ्टवेयर के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर, बैटरी लाइफ के अंदर, ये सारी बातें मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बाकी कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। Thanks for watching!